नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। एक और जहां दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों से ज्यादा वक्त हो चुका है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार से कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जाफराबाद और मौजपुर में हिंसा भड़क उठी। वहां नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बैठे हुए थे धरना पर, और पत्थरबाजी होने लगी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई समर्थक और विरोध में बैठने वालों के बीच में, और इसी हिंसा और आगजनी रोड़ेबाजी पत्थरबाजी में एक रतनलाल नाम के कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ कहा जाता है कि 6 लोग मर चुके हैं इस हिंसा में, और कई दुकानों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। मानो स्थिति विकट हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि मामला को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन आखिर यह नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध जो चल रहे विरोध में स्वर उठ रहे हैं और चल रहे आंदोलन है, कब रुकेगा? पक्ष में खड़े हैं लोग, विपक्ष में खड़े हैं, और इस बीच देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आते हैं और उसी वक्त इस प्रकार की वारदातें होती है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर हिंसा शुरू हो चुकी है, और धर्म के नाम पर हिंसा और कानून के आड़ में हिंसा करने का जो यह खेल है, इस खेल को रोकना अति आवश्यक है। समाज के तरक्की और समाज के मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की वारदातें हो रही है। आगजनी, पत्थरबाजी, कांस्टेबल की मृत्यु, आम लोगों की मृत्यु, यह देश की क्षति मानी जा रही है। पेट्रोल पंप में आग लगा दिया जाना, दर्जनों दुकान में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, आखिर हो क्या रहा है? आखिर कब थमेगा, कब रुकेगा? क्यों नहीं ऐसी वारदातें रुक रही है? हिंसा का माहौल चारों ओर बना हुआ है, जिसका परिणाम जाफराबाद में देखा गया। सड़कों पर रोड़े पत्थर पड़े हुए हैं, चारों ओर पुलिस की गहमागहमी बनी हुई है। 144 धारा लागू कर दिया गया है। लोग आंदोलन के मूड में अड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। CAA के पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हैं जो जुलूस और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में कुछ लोग हैं। आखिर इस प्रकार की वारदातों पर लगाम लगे तो कब लगे? जाफराबाद के अलावे शाहीन बाग, मौजपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जो आज अति संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं। हिंदू हिंदू का, मुस्लिम मुस्लिम का, सारे लोग एक दूसरे के विरोधी होकर सामने आ खड़े हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार की वारदातों पर सरकार को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए और स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे इस प्रकार की वारदातें रुके। जान माल की क्षति अब शुरू हो चुकी है, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर तोड़ फोड़ की जो यह सिलसिला है, यह बंद होना अब अति आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे धरना प्रदर्शन बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होनी चाहिए? आप कमेंट में लिखें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों यारों मित्रों में, और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।